स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत खास मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे। जैसा मैंने ओपनिंग में बताया था कि पाकिस्तानी फौज आखिर करती तो करती क्या है, क्या करती है पाकिस्तानी फौज अगर देश की रक्षा नहीं करती, अगर सरहदों की रखवाली नहीं करती तो पाकिस्तानी फौज करती क्या है। ये सबसे पहले तारुफ करवा दूं अपने गेस्ट्स का। मेरे साथ भारत का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैभव सिंह, फाउंडर डिफेंसिव ऑफेंस यूट्यूब चैनल, वैभव स्वागत है आपका। सुशांत सरीन जी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो हैं और जाने माने एक किस्म से वक्ता हैं, एक किस्म से ये अपनी राय रखते हैं, बड़ी पैनी नजर रखते हैं पाकिस्तान के ऊपर और ग्लोबल अफेयर्स के ऊपर। आप तीनों का स्वागत है। पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रही हैं आरजू काजमी साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अतर काजमी साहब, स्वागत है आपका। कमर चीमा जी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, मेरे बचपन के साथी, उनका मैं अलग से एक शानदार वेलकम करूंगा, ये मेरा वादा है। और इसके पहले मैं अपनी डिबेट शुरू करूं, मैं आप सब लोगों को ईद मुबारक देना चाहता हूं। आप मुबारकबाद कबूल करें, खासतौर से हमारे पाकिस्तानी गेस्ट जो बैठे हैं, ईद मुबारक आप लोगों को सब। एक कहावत है पाकिस्तानी फौज के बारे में, तो ये मैंने पढ़ी थी व्हाट्सएप पे, किसी ने भेजी थी मुझे और फिर सोशल मीडिया पे भी मैंने काफी देखी। नहीं कि पंजाबी में कहते हैं कि जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारिया नहीं, पाकिस्तानी फौज के बारे में कहते हैं। और यह भी कहते हैं कि साहब एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी पाकिस्तान आर्मी देखती है, डोमेस्टिक पॉलिसी पाकिस्तान देखती है, सब कुछ पाकिस्तानी आर्मी देखती है, बिजनेस पाकिस्तानी आर्मी करती है, लेकिन देश की, मुल्क की दिफा पाकिस्तानी फौज नहीं करती। आरजू काजमी साहिबा, एक सवाल आपसे पूछता हूं। आपने आयशा सिद्दीका की किताब पढ़ी होगी, मिलिट्री इंक करके किताब है जिसमें उन्होंने बड़े विस्तार से बड़े खुल के लिखा है पाकिस्तानी फौज के, $20 बिलियन, $20 अरब से ज्यादा पाकिस्तानी फौज का बिजनेस एम्पायर है जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करता है। अगर पाकिस्तान आर्मी एक बिजनेस एम्पायर अपने आप को कल डिक्लेयर कर दे तो इट विल बी अ फॉर्च्यून 500 कंपनी। इसके बारे में कुछ बताइए, क्यों करती है पाकिस्तानी आर्मी इतना बिजनेस, इसका पैसा कौन देता है, इसका सीड मनी कहां से आती है, इसका मुनाफा कहां पर जाता है, पूरा गेम क्या है पाकिस्तानी आर्मी का। थैंक यू सो मच मिस्टर गौरव। देखिए, पाकिस्तान आर्मी के बिल्कुल बिजनेसेस हैं, कोई हम इससे इनकार कर नहीं सकते। ये एक सबको मालूम है कि क्या क्या जो आपने अभी अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है, लेकिन बात यह है कि वो पैसा जो है वो सब जाहिर है हमारे ही लोगों के ऊपर खर्च होता है, वो चीजें हमारे ही लोगों को मिलती हैं, कोई बाहर के लोगों को नहीं दे दी जाती। और जहां तक हमारी फौज का है, जब तक हमारी फौज हमारी हिफाजत कर रही है, जब तक हमारे बॉर्डर्स महफूज हैं, चाहे वो किसी से भी हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे अफगानिस्तान, जिससे भी हमारे बॉर्डर लगते हैं, अगर हमारे बॉर्डर वो महफूज कर रही है और हम एक सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती कि अगर वो कोई बिजनेसेस भी चला रहे हो। लेकिन साथ ही ये भी है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अभी हमारा एक प्लेन क्रैश हुआ और इस तरह के जो हादसे हैं, वहां पे भी सबसे पहले हमारी फौज ही पहुंचती है। हमारी फौज की वजह से ही हम जो यहाँ पे जो कहना चाहिए नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह आते हैं, उससे हम अगर बच पाते हैं, हम उससे निकल पाते हैं, तो इसकी वजह भी हमारी फौज ही है। अब आपका तो जाहिर है कि आप लोगों का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका अपना एक तरीका है कि आप उसमें सिर्फ वीक पॉइंट्स निकालते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन इसमें भी मुझे कोई ऐसा कोई गलत बात नहीं लगती कि अगर वो सीमेंट बनाते हैं या वो अगर कोई और बिजनेस करते हैं, अगर तो उसको पाकिस्तान में ही कर रहे हैं ना, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं लेके गए, तो यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम अपनी फौज के ऊपर फखर करते हैं और हम अपनी फौज की वजह से महफूज हैं और हमें इस तरह की चीज में उनसे कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आरजू काजमी साहब आपने सही बोला, आपको अपनी फौज पे फख्र है। ये वही फौज है जो पास्ता बनाती है, जो नूडल्स बनाती है, और ये वही फौज है जो ईद के बाद जिबा करे हुए जानवरों की खाल भी बेचती है। लेकिन आपको फक्र है, एंड आई एम श्योर आपको फक्र करने के कारण और वजूहात भी आपके बिल्कुल सही होंगे। आप कहती है पाकिस्तानी माइंड नहीं करते कि पाकिस्तानी आर्मी इतने बिजनेसेस करती है, नहीं माइंड करती होगी, 100 से ज्यादा बिजनेसेस पाकिस्तानी आर्मी के। इंडियन आर्मी के कितने बिजनेस हैं? 0। इंडियन आर्मी करती नहीं बिजनेस, करती नहीं। वो कहती है हमारा काम है देश की रक्षा करना, सुरक्षा करना, उसी में लगी रहती है। एक काम है फौज का, ये बिजनेस करना हमारा काम नहीं है। मैं जाता हूं जनरल जीडी बख्शी सर के पास, और जनरल जीडी बख्शी सर आपसे एक बात जानना चाहता हूं।
आप एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं सर, हमसे बहुत सीनियर हैं, 71 वॉर के वेटरन हैं, एंड यू आर वन ऑफ द पीपल यू नो जो पूरी हमारी हजारों लाखों की तादाद में फौज थी, आप गए थे, आपने ढाका देखा है, आपने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनते हुए देखा। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ना कहीं एज अ सोल्जर मैं खुद आपसे पूछना चाहता हूं सर, कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म एक आर्मी की कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। अगर एक फौज 100 से ज्यादा बिजनेसेस रन करे, कहीं ना कहीं उसकी जो कटिंग एज होती है एक आर्मी की, वो कॉम्प्रोमाइज होती है कहीं पे? गौरव, मैं कहना ये चाहूंगा कि जो मॉडर्न आर्मीज है वो उनका जो है ये प्रोफेशनलिज्म इस पे बेस्ड रहता है, फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम पेरेंट सोसाइटी। दे जस्ट फोकस अपने प्रोफेशनलिज्म पे फोकस करते हैं, देश को बचाने पे फोकस करते हैं, वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते, वो देश को चलाने में इन्वॉल्व नहीं होते। 73 सालों में से 30 साल गौरव ये पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्ट रूल किया है पाकिस्तान के ऊपर, और उसके अलावा ये जब ये डायरेक्ट चार्ज में नहीं होते जैसे अभी, तो ये बिहाइंड द स्टेज पपेट्स चलाते हैं, कठपुतलियां मोहरे चलाते हैं, सिलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको इंस्टॉल करते हैं, जब वो इनका काम करना बंद कर देते हैं उनको वो डिसमिस कर देते हैं, कैद कर देते हैं, फांसी टांग देते हैं। ठीक है, तो इनको फुर्सत नहीं है ज्यादातर लड़ाई शड़ाई करने की, यही वजह है कि कोई लड़ाई जीते नहीं। आप प्लीज देख लीजिए इनका वॉर रिकॉर्ड, हर बार इनको मार पड़ी है, और खासकर 71 में तो ये अपने देश के दो टुकड़े करवाने की जिम्मेदारी, ये पूरा जिम्मा पाकिस्तान की फौज की सर पे है। जैसे आपने बड़ा करेक्टली पॉइंट आउट किया है, ये पाकिस्तान में एक फौजी फाउंडेशन है जिसमें रिटायर्ड सर्विंग सारे लोग हैं, और ये लोग कोई $20 बिलियन की बिजनेस चला रहे हैं आजकल, Fortune 500 कंपनीज तक के बिस्कुट ये बना रहे हैं, डबल रोटी ये बना रहे हैं, ये ब्रेड बना रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं, क्या क्या नहीं बना रहे, सारे ट्रकों की फ्लीट चला रहे हैं, मोबिलाइजेशन में ही इनके ज्यादातर ट्रक इन्वॉल्व होते हैं। सो बात यह है कि जब एक फौज इतनी लग्जरी बिजनेसेस में लग जाए तो वो ज्यादा देर फौज नहीं रहती। नो वंडर वो कहते हैं कि भाई बाकी देशों में द स्टेट हैज एन आर्मी, लेकिन पाकिस्तान में द आर्मी ओन्स द स्टेट। एब्सोल्युटली सर, वो स्टेट को पाकिस्तान की फौज ओन करती है, उसकी न्यूक्लियर पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, डिफेंस एक्सपेंडिचर, सारे खर्चे पाकिस्तान की फौज लेती है। नो वंडर पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, बहुत टूटने की कगार पे है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पहले कि मैं कमर चीमा साहब के पास जाऊं, कमर चीमा साहब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, एंड लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं आप इनको अपना बचपन का साथी क्यों कहते हैं, कि आप कहीं साथ पढ़े हैं कमर चीमा साहब के साथ? तो नहीं, मैं इनके साथ नहीं पढ़ा, लेकिन प्यार है। जो फायरवर्क्स होते हैं शो में वो तो फायरवर्क्स होते ही हैं शो में, खैर वो अपना मौजू रखते हैं, हम अपना मौजू रखते हैं, लेकिन कमर चीमा साहब से मैं कभी मिला नहीं हूं, लेकिन बहुत प्यार है दिल में सर, और आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। कमर चीमा साहब, अब एक बात बताइए, आपने जनरल जीडी बख्शी साहब का आपने यू नो बयान अभी सुना, और जनरल जीडी बख्शी सर ने कुछ बातें कहीं, आप गल्ला समझते हैं सर, किसको बोलते हैं गल्ला आपके यहाँ? समझता हूं। जो दुकानदार बैठता है कैश बॉक्स पे, तो जो फौज गल्ले पे बैठती है वो सरहद पे कैसे जा सकती है? अगर आपके इतने बिजनेसेस हैं जो आप कर रहे हैं, और यू नो कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज में मौज है, तो ये आर्मी गल्ले पे बैठी है, ये लगातार बिजनेसेस कर रही है, और एक आध बिजनेस कोई फौज करे ठीक है उसकी मर्जी है, हम तो हमारी फौज तो बिल्कुल जीरो है, किसी में भी बिजनेस करती नहीं है इस मामले में, वी आर ओनली अ प्रोफेशनल आर्मी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, 100 से ज्यादा बिजनेसेस कराची स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, आपके जमीन का बिजनेस है सर, लैंड का, DHAs हैं, मतलब अरबों खरबों डॉलर्स के बिजनेसेस हैं, ये कहां किस तरफ जा रही है आपकी फौज? किबला दुरुस्त करें जनाब फौज का अपना। देखिए मैं थोड़ी किताबें पढ़ता हूं पढ़ाता हूं, थोड़ी टेक्निकल और एजुकेशनल बात करेंगे, थ्योरेटिकल बात करूंगा। देखिए एक थ्योरी होती है उसे कहते हैं मिलबर्न, ठीक है जी। पूरी दुनिया के अंदर जो मिलिट्रीज होती हैं, मैं आपको मिसालें देता हूं, अमेरिका, फ्रांस, इसराइल, साउथ अफ्रीका,
ईरान, इंडोनेशिया, टर्की, पूरी दुनिया के अंदर मिलिट्रीज बिजनेस करती हैं। इस थ्योरी को कहते हैं मिलिट्री बिजनेस, जो कि अपनी मिलिट्री फ्रेटर्निटी के लिए एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज करती हैं मेजर साहब, वो ताकि उसमें ये होता है कि बहुत सारे जो काम होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 2010 में ईयर ऑफ सोल्जर बनाया गया, पाकिस्तान में वॉर एंड टेरर में दहशतगर्दी में बड़े फौजी जवानों की शहादतें हुई, सात आठ हजार शहादतें हुई हमारी। अब सारा पैसा जो है वो उनकी फैमिली जो है उसके बाद एक हमारे ब्रिगेडियर साहब कर्नल साहब शहीद हो गए तो क्या हम उनको अबैंडन कर दें, हम उनको छोड़ दें फैमिली को, उनको उनको हाइट ना दें, उनको एजुकेशन उनको बच्चों को ना दें, वो जो बेवा है वो जो जिसने वतन के लिए कुर्बान किया हम उनको छोड़ दें दुनिया में। देखिए आपने आपने कहा इंडियन फौज की बात की, इंडियन फौज इस वक्त 100 से ज्यादा गोल्फ कोर्स चला रही है। हाँ आपको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत आपको इजाजत नहीं मिली, लेकिन पूरी दुनिया में मैं आपको 10 मुल्कों के नाम लिए हैं, इससे भी ज्यादा मुल्कों के नाम लेता हूँ जहां मिलिट्री बिजनेस होता है, वो जो सीड मनी वो जो कैपिटल आता है वो गवर्नमेंट देती है, ताकि वो जो पैसा है वो फौजे पाकिस्तान और उनके सोल्जर और अफसरों की बेल्ट। और आपको पता है कि हम जैसे आप मेजर रिटायर्ड हो गए, पाकिस्तान में मेजर कर्नल ब्रिगेडियर जैसे जैसे टाइम गुजरते रिटायर्ड होते कहलाते हैं, तो जो ऊपर टॉप के जो लोग आते हैं वो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो आपको छांटी करनी पड़ती है, पूरी दुनिया के असूल है। फिर उनके लिए आपको उनकी फैमिली को उनको चलाने के लिए आपको बहुत सारे जो बिजनेसेस करने पड़ते हैं, और वो इंटरेस्ट वो देते हैं, टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, पाकिस्तान में देते हैं, अमरीका में, फ्रांस में, इसराइल में। तो इसको अगर आप प्रोपेगेंडा टूल करना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर पढ़े लिखे हम आपसे बात करना चाहें तो तब भी आपकी मर्जी। जी 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 कमर चीमा साहब बहुत अच्छा लगा, इतनी मोहब्बत के साथ आपने जहर उगला, मुझे बहुत पसंद आई आपकी बात। जनाब दो तीन बातें कह दूं फिर मैं जाता हूं वैभव सिंह के पास, बस दो तीन बातें आपको कह देता हूं कमर चीमा साहब। जैसे कि दस्तूर है, आपने कुछ फौजों का नाम लिया तो मैंने भी अपनी रिसर्च पूरी करके आया हूं, आपने बोला डेटा के ऊपर बात करेंगे। इसराइल की आर्मी बनाती है मिसाइल्स और सेमी कंडक्टर्स, यूएस की आर्मी ने इजाद करा था इंटरनेट का, जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं सर वो यूएस मिलिट्री ने बनाया था। पाकिस्तानी फौज बनाती है पास्ता, खाद बनाती है सर गाय और भैंस के गोबर से। तो सर इंटरनेट और मिसाइल और सेमीकंडक्टर्स एक तरफ, और दूसरी तरफ पास्ता, बच्चों के डायपर और गोबर, इसमें थोड़ा सा फर्क है, तो हम लोग कंपेयर ना करें आर्मीज को, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो चीजें बनाते हैं दूसरी फौजें वो फौज में इस्तेमाल करते हैं, दे यूज इट, राइट, दे यूज इट फॉर डिफेंस, उनका कटिंग एज डिफेंस वहां से निकलता है, पेंटागन से निकलता है, आईडीएफ से निकलता है इसराइल में, यहां पे कुछ नहीं निकल रहा हाईटेक। तीसरी बात, आपने बोला कि इंडियन आर्मी में गोल्फ कोर्सेज हैं, बिल्कुल इंडियन आर्मी में गोल्फ कोर्सेज हैं। ऐसे ही एक गोल्फ कोर्स में लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने 3 साल तक गोल्फ खेली थी, और जॉनी वॉकर विस्की पी थी सर हमारे गोल्फ कोर्स में, तो आप गोल्फ कोर्स का तो शुक्रिया अदा कर ही सकते हैं ना इंडियन आर्मी को। वैभव मैं आपके पास जाता हूं, वैभव मेरा आपसे सवाल है, ये क्या जहनियत है जहां पर फोकस बिजनेस पर है, और क्या आपको लगता है वैभव कि हमें यह समझ लेना चाहिए, भारत को यह समझ लेना चाहिए कि साहब पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है हाफिज सईद है। क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आर्मी चीफ लड़ता है, बाजवा साहब तो गायब हैं, तो बाजवा साहब को हमने तो देखा नहीं। हाफिज सईद रोज टीवी पे आ जाता है, इंटरनेट पे आ जाता है, वही बयानबाजी करता है, उसी के लड़के आते हैं कश्मीर में, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, मरते भी यहीं पर, लड़ते भी यहीं पर। पाकिस्तानी सोल्जर तो कोई कश्मीर में नहीं आ रहा लड़ रहा, जबकि कश्मीर इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, सिंगल पॉइंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट, फॉरेन पॉलिसी अगर कुछ है पाकिस्तान की तो वो कश्मीर है। तो जो इनका सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी इंपेरेटिव है उसके लिए हाफिज सईद लड़ रहा है, इनकी आर्मी नहीं लड़ रही। तो वैभव मेरा सवाल आपसे, हम आर्मी चीफ पाकिस्तान का किसको माने, जनरल बाजवा को माने या फिर जनरल हाफिज सईद को माने? देखिए इनका आर्मी चीफ तो हाफिज सईद ही है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बाजवा तो गल्ले पे बैठता है, बाजवा तो लड़ता नहीं है। चीमा साहब अभी कह रहे थे कि दुनिया भर में फौजें जो है वो बिजनेसेस करती हैं, जरा मुझे बताएं दुनिया की कौन सी फौज है जो डायपर्स बनाती है, जो बेबी फूड बनाती है, जो ब्रेकफास्ट सीरियल बनाती है, जो बैंक चलाती है, जो शिपिंग यार्ड कंपनीज चलाती है, जो कॉमर्शियल एयरपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब जो पेट्रोल बेचती है, डीजल बेचती है, टैंकर माफिया कराची के अंदर जो सबसे बड़ा टैंकर माफिया है जो पानी की स्मगलिंग करता है वो इनकी फौज करती है। आप बलूचिस्तान चले जाए वहां सबसे ज्यादा जो ईरान से ऑयल की स्मगलिंग है उसमें इनकी आर्मी इन्वॉल्व है। तो चाहे वो बिजनेस लीगल हो या इलीगल, पाकिस्तान में किसी भी बिजनेस में और ये जिस बिजनेस में भी घुसते हैं पाकिस्तान फौज वाले, वहां इनकी मोनोपोली होती है, वहां फिर ये दूसरे किसी को सर्वाइव नहीं करने देते।
जूते चप्पल बनाते हैं, मोजरियां बनाते हैं ये, तो जरा मुझे बताए दुनिया की कौन सी फौज है जो ये सारे काम करती है। अच्छा देखिए, अब इन्होंने एक आरजू काजमी जी ने एक बात कही थी कि अगर हमारा पैसा हमारे मुल्क में ही खर्च हो रहा है तो हमें कोई, या वो अपने मुल्क में ही कमा रहे हैं, अपने मुल्क में ही लगा रहे हैं, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा मुझे ये बताए कि जनरल कियानी कहाँ है भाई? पैसा ये बोलते हैं ना कि हमारा पैसा हमारे मुल्क में लगाते हैं, कियानी कहाँ पे है, मुशर्रफ कहाँ पे है, रहील शरीफ कहाँ पे है? इनके जितने भी आर्मी चीफ रिटायर होते हैं वो रिटायर होने के बाद बाहर क्यों चले जाते हैं? वो कमाया हुआ पैसा, ये लूटी हुई दौलत, जो इमरान खान जो इनका अभी नया वजीर आजम बना है सो कॉल्ड, उसने लूटी हुई दौलत लानी थी, वो मुशर्रफ को तो वापस ला नहीं पाया। तो इनकी जो फौज है, इनकी फौज ये काम करती है। और 1971 की वॉर के बाद इनके यहाँ पे ये पॉलिसी डिसीजन हुआ था कि हम हिंदुस्तान से कन्वेंशनल वॉर नहीं जीत सकते, तो एक काम करो लड़ने के लिए लगाओ गरीब के बच्चे को, क्योंकि देखिए चूरन बेचती है इनकी फौज, चूरन बेचना भी इस फौज का एक बिजनेस है। गरीब के बच्चे को एक चूरन बेचते हैं जिहाद का, मिडिल क्लास पाकिस्तानी को चूरन बेचते हैं कश्मीर का कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और जो अमीर पाकिस्तानी यानी ये जो खुद हैं, इन दोनों को चूरन खिला करके ये खुद विदेशों में जाते हैं, अय्याशियां करते हैं, बिजनेसेस चला रहे हैं। आप, और मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं, इनकी जो ज्यादातर कंपनियां हैं जो कि पाकिस्तान में फौजी फाउंडेशन या अस्करी जो इनके लिमिटेड कंपनीज हैं, ये ज्यादातर एज एन एनजीओ रजिस्टर्ड है। इनकी जो पैरेंट कंपनीज है वो एनजीओ, एज एन एनजीओ रजिस्टर्ड है, और ये शॉपिंग मॉल्स बनाते हैं। अब आपको बताइए कि क्या दुनिया में कौन सी फौज है जो शॉपिंग मॉल बनाती है, रेस्टोरेंट्स बनाती है? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीमा साहब और आरजू काजमी ये चूरन पाकिस्तानियों को खिलाएं तो बेहतर, हमें ना खिलाएं। जी जी, शॉपिंग मॉल्स मैंने बात करी इसराइल की, मैंने बोला कि सेमीकंडक्टर और मिसाइल्स में IDF इसराइल डिफेंस फोर्सेस का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें कंट्रीब्यूशन है। और अमेरिकन आर्मी तो खैर है ही, अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस, उन्होंने इंटरनेट बनाए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जो कि हम यूज़ करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने शॉपिंग मॉल्स बनाए और ज़िबा करे हुए जानवर जो ईद में ज़िबा करते हैं, उन जानवरों की खाल का भी बिजनेस करा, वो पाकिस्तान के हिसाब से कटिंग एज है। अच्छा, मैं आता हूं अतर काजमी साहब के पास और फिर मैं जाऊंगा सुशांत सरीन जी के पास। अतर काजमी साहब, एक बात बताइए आप, जनाब चूरन की बात करी वैभव सिंह ने, वैभव सिंह ने बोला कि चूरन के विक्रेता हैं, चूरन बेचते हैं, आपने जिहाद का चूरन बेचा गरीब पाकिस्तानी को, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का चूरन बेचा मिडिल क्लास को, और जो टॉप टियर जो अशराफिया है आपके मुल्क का, उसको चूरन की जरूरत ही नहीं है, दे आर हाई ऑन समथिंग एल्स, दे डोंट रिक्वायर चूरन। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने सोचा एज अ पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी कभी आपने सोचा कि मैं अपनी फौज से सवाल पूछूं, क्यों तुम ऐवान सदर पे चढ़ दौड़ते हो पहले मौका मिलते ही, क्यों तुम गल्ले पे बैठते हो पहला मौका मिलते ही, क्यों तुम वो सारे काम करते हो जो एक सिपाही को जेब नहीं देते? क्या आपने कभी सोचा मैं पूछूं अपनी फौज से? अतर काजमी साहब जी, मैं आपको बताता हूं कि मैं तो काफ़ी सोचता रहता हूं अपनी फौज के हवाले से। मेरे से जो पहले गेस्ट थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज जो है वो जूते बनाती है। जी, वो जूते इसलिए बनाती है कि वो जूते आप लोगों को लगाने होते हैं आपकी सेना को। आपने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी अमीर बहुत ज़्यादा है, यही वजह है कि पाकिस्तान की आर्मी, तो आप कह रहे हैं अमीर है, ये तो मुझे नहीं पता कितनी अमीर है, लेकिन मुझे ये पता है कि आपकी आर्मी भूखी नंगी है। आपके फौजी वीडियोज़ अपलोड करते हैं कि भाई हमें बॉर्डर पर रोटी नहीं मिल रही, ठीक है। आपने बहुत कुछ बता दिया कि पाकिस्तान की आर्मी ये करती है वो करती है, मैं आपको बताता हूँ आपकी आर्मी क्या करती है। 2004 में आसाम राइफल्स में मोना रामा के साथ जो हुआ रेप और उनका मर्डर, के सो मच सो के बरहना औरतें नेकेड वुमेन ने मार्च किया महाराष्ट्र राइफल्स के हेडक्वार्टर की जानिब। उसके बाद MS जसवाल जो आपके मेजर जनरल थे, वो पिछले साल उनको फौज से कोर्ट मार्शल किया गया, इसलिए कि उन्होंने भी आसाम राइफल्स में जब वो पोस्टेड थे वहां पे खातून अफसर के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ। इतने यूज हो गए औरतों को वहां पे सेक्सुअली हरास करने के, अपनी फौजी खवातीन को ही हरास करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें आप कहते हैं कि ये है पाकिस्तान आर्मी में, ये है वो है, कभी अपने ऊपर भी ना तो नजर डालें। बाकी बात ये है कि आप लोग कर तो कुछ सकते नहीं है, इसी तरह की बातें करेंगे, पाकिस्तान आर्मी इतनी कमजोर है तो आए पाकिस्तान पे कब्जा कर लें, कश्मीर वापस ले लें, हम तो 70 साल से इंतजार कर रहे हैं। और आपकी आर्मी जितनी प्रोफेशनल है वो हमने देख लिया कि आपके अभिनंदन जब आए थे पूरी दुनिया ने देखा और हमारी आर्मी ने किस तरह बिहेव किया, और पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है और पाकिस्तान की सेना कौन है वो पूरी दुनिया ने देखा और आपने भी देखा। जी बहुत बढ़िया अतर काजमी साहब, अच्छा लगा कि आपने थोड़ा स्पिरिट दिखाई, आपने बात करी। अब दो तीन बात मैं कह लूं
फिर उसके बाद हम सुशांत सरीन जी के पास जाते हैं। आपने बोला हमारी फौज जूते इसलिए बना रही है क्योंकि भारत को मारे। अब आप लोग 50 साल से जूते अपनी ही जनता को मार रहे हैं, भारतीय सेना को तो आपने मारा नहीं, पहली चीज। आप जो कह रहे हैं हम जूते बना रहे हैं फिर हम इंडियन आर्मी को मारेंगे, हम इसीलिए बना रहे हैं, कहां मारा इंडियन आर्मी को, अपनी जनता को मारा। पहले अयूब खान ने फौजी जूते से पाकिस्तानी आवाम के सर पे मारा, याहिया खान ने फौजी जूते से पाकिस्तानी आवाम के सर पे मारा, जियाउल हक ने फौजी जूते से पाकिस्तानी आवाम के सर पे मारा, उसके बाद हिज हाइनेस द ग्रेटेस्ट परवेज मुशर्रफ ने फौजी जूते से 10 साल तक लगातार पाकिस्तानी जनता के सर पे जूते मारे। तो आप इंडियन आर्मी के सर पे जूते जरूर मारें साहब, जिस दिन आपके बाजुओं में इतना खून आ जाए, इतनी हिम्मत आ जाए। फिलहाल तो आप लोग प्रैक्टिस अपनी ही जनता के ऊपर कर रहे हैं। और जो आपने रेप की बात करी और ये सब बातें करी, आपने जो बोला ना कि ये हमने पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है और आपने इंडियन मीडिया पे ही पढ़ा है। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, जब गलती होती है ना तो छुपाते नहीं। हमारा कोई ISPR नहीं है जो जर्नलिस्ट को कॉल करे और बोले कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी मां को रात को 2 बजे उठा लेंगे अगर तुमने खबर बंद नहीं करी। हमारे यहां इंडियन आर्मी जैसा कोई वो नहीं है जो पैमरा को कॉल करे और बोले कि सारे चैनल बंद करो, जनरल साहब का आदेश है। ये डेमोक्रेसी है, जो गलती करता है वो जेल में जाता है। आप एक अफसर का नाम लीजिए 72 साल में, आप लोगों ने नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन करा, आपने रद्दुल फसाद करा, आपने कई ऐसे ऑपरेशंस करे अपने ट्राइबल एरियाज में। प्लीज नेम वन ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, कप्तानी ले लो छोटा 3 साल 4 साल की नौकरी वाला, जिसको ह्यूमन राइट्स के केस के अंदर आपने जेल में डाला हो, बताइए। आप नहीं बता पाएंगे एक भी नाम, क्योंकि आपके पास एक भी नाम नहीं है। हां, अगर हमारी फौज गलती करती है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में करे, कश्मीर में, बंदे जेल में जाते हैं। यही डेमोक्रेसी है, यही फर्क है भारत और पाकिस्तान। हम ये नहीं कहते कि हम लोग बिल्कुल साफ पाक हैं, गलतियां हम भी करते हैं, लेकिन एक बात है, जो गलती करेगा वो जेल जाएगा। पाकिस्तान में एक अफसर नहीं है जिसका कोर्ट मार्शल हुआ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में, 72 साल की आपकी तारीख है। मैं आता हूं सुशांत सरीन जी के पास। सुशांत जी, आपने सुना जो उन्होंने बोला, मोटे मोटे मैं आपको 3 पॉइंट बता देता हूं सर। इनकी बहस यह है कि साहब तो क्या हुआ अगर बिजनेस करती हमारी फौज, तो क्या हुआ, जो पैसे कमाती है मुल्क के अंदर डालती है, हमें बेनिफिट हो रहा है, पहली दलील। दूसरी दलील कमर चीमा साहब की यह थी कि साहब दुनिया भर की फौजें करती हैं, फिर हम क्यों ना करें। मैं उनको ये कहना चाह रहा था साहब दुनिया भर की फौजें तो और भी कुछ करती हैं, अब वो भी नहीं करते। ये कह रहे हैं कि साहब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की बात ही नहीं करी। अतर काजमी साहब ने तो यही बोल दिया कि आप ही की फौज बुरी, आप हमारी फौज पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, और हम जूते वूते बनाते हैं फिर हम इंडियन आर्मी को मारेंगे, जो भी इन्होंने डायलॉगबाजी करी। सुशांत सरीन जी, मेरा आपसे सवाल है, ये क्या कंपल्शन है पाकिस्तानी आर्मी का? आपने बहुत पढ़ाई करी, आपके जो, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि आपके पीछे जो किताबें लगी हुई हैं, दोज आर नॉट फॉर शो, यू एक्चुअली रीड। और लोग कहते हैं आपके बारे में, जिनसे मैं बात करता हूं, कि सुशांत हैज रेड लाइब्रेरीज। आपने पी पा के बिल्कुल, आप पाकिस्तान कई बार जा चुके हैं, आपकी दोस्तियां भी वहां पे, आपकी जान पहचान भी है वहां पे, यू अंडरस्टैंड पाकिस्तान वेरी वेल। सर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, 2 मिनट आपके पास है, आप ये बताइए ये क्या जहनियत है, ये क्या मजबूरी है पाकिस्तानी आर्मी की कि हमें गल्ले पे बैठना है, हमें बॉर्डर नहीं जाना, हमें कैश बॉक्स पे बैठना है, क्या मजबूरी है पाकिस्तानी फौज की? देखिए, एक तो मजबूरी आपके स्टूडियो में नजर आ रही है, जो आपके पाकिस्तान से मेहमान हैं, उनकी एक मजबूरी है कि वो पाकिस्तान की आर्मी की अगर आलोचना करते हैं तो कैसे, घर पे रहना भी है और जिंदगी आगे जीनी भी है, तो एक तो इनकी बेचारों की मजबूरी है। आप इनको धर्म संकट में डाल देते हैं तो ये आपकी ज्यादती का मामला है। देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जो जनरल बख्ती कहा कि पाकिस्तान आर्मी हैज बेसिकली टेकन ओवर द एंटायर स्टेट। देखिए, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान और सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान फौज है, सबसे बड़ा बिजनेस हाउस जो है वो पाकिस्तान फौज है, मुझे नहीं लगता वो सेकेंड बिगेस्ट है, वो सबसे बड़ा है। तो हर चीज में तो इनकी उंगलियां हैं। अब फौज की जरूरत यह है कि अगर आप ये सारे प्रिविलेजेस बरकरार रखना चाहते हैं तो द लास्ट थिंग यू वांट इज कि जंग हो। अगर जंग होगी तो फिर जो आपने अपने DHA बनाए हुए हैं बिल्कुल भारत की बॉर्डर के साथ, उनका क्या होगा? और पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान के अंदर ये मजाक होता है कि सबसे बड़े जो ठेकेदार है वो तो पाकिस्तान की फौज में है,
और अगर इनका बस चले तो ये भारत के अंदर भी आकर लैंड लीज पे लेके डीएचए सोसाइटी बना, और भारत से लड़ाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनकी डीएचए सोसाइटीज जो है वो बिल्कुल भारत के बॉर्डर के साथ लगनी शुरू हो गई हैं, तो उसका क्या होगा। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये बिजनेस करती हैं, छोटे लेवल पे कुछ कारोबार बहुत सारी आर्मीज दुनिया में करती हैं, लेकिन वो एक बड़ा स्पेसिफिक पर्पस होता है, और वो जो पर्पस होता है वो जो लार्जर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें इंटरफेयर नहीं करता, उसके अंदर काम करता है, उसके ऊपर काम नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर चाहे इनकी जितनी, चाहे इनके बैंक्स हो, चाहे इनके शादी घर हो, चाहे इनकी डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज हो, ये लेवल प्लेइंग फील्ड पे काम नहीं करती। इनको जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, इनको इनकी जो एक लिहाज से जो इनके ऑडिट के वो है पैराए हैं, वो सारे के सारे डिफरेंट है। इनके केस में ये होता है कि अगर इनकी तरफ से एक प्रपोजल चले जाए, वो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन हो या तमाम जो बाकी इनके ठेकेदारी के निजाम है वो हो, तो दे विल गेट अ प्रेफरेंस। सो एज अ रिजल्ट इट्स नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, और करते ये है कि खुद भी बहुत सारे काम नहीं करते, वो सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं। बेसिकली इट्स अ बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट विच हैज टू रन। सो अगर आपने वो बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट रन करना है तो फिर आप जंग नहीं कर सकते, बिकॉज द टू थिंग्स डोंट गो टुगेदर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सुशांत जी बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं आता हूँ आरजू काजमी साहिबा के पास, और इसके पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि ऐसा अब एक हमारे डिस्कशन के बाद एक ऐसा ढांचा सा बन रहा है जिसमें पता लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी इज एक्चुअली अ बिजनेस विच ऑल्सो कैरीज वेपन्स। ये एक ऐसा बिजनेस हाउस है जिसके पास हथियार हैं। अच्छा आरजू काजमी साहिबा एक बात बताइए आप, ये अक्सर सुनने में आता है ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये अक्सर सुनने में आता है पाकिस्तान से, हर रोज कोई ना कोई ये बोल रहा होता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। चलिए आप कहती हैं, आप गेस्ट हैं हमारे, आपने बोला मैंने मान लिया। एक बात बताइए मैडम, अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कश्मीर बन भी जाता है पाकिस्तान तो क्या करना है मैडम वहां पे? 250-250 गज के प्लॉट काट के बेचने हैं, कॉर्नर प्लॉट बाजवा साहब को देना है, आपने डीएचए खोलने हैं कश्मीर में, आपने करना क्या है कश्मीर का? जमीन से मोहब्बत है क्योंकि लोगों से नहीं है, यह बात तो तय है। अगर लोगों से मोहब्बत होती तो पाकिस्तानी फौज आती कश्मीर के अंदर। आप लोग बात करते ना वी विल कोट अनकोट लिबरेट कश्मीर, तो पाकिस्तानी फौज तो आई नहीं, हाफिज सईद के लड़के आते हैं, बाजवा साहब के लड़के तो आते नहीं कश्मीर के अंदर। तो आप एक बात बताइए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान आप कहती हैं, चलिए डन गिवन, क्या करना है मैम? 250-250 गज के प्लॉट काट के बेचने डीएचए को, करना क्या कश्मीर का आपने? देखें सर, पाकिस्तानियों को जो है वो कश्मीरियों से मोहब्बत है, कश्मीर की जमीन की बात नहीं हो रही होती। और जहां तक पाकिस्तान आर्मी को आप आने का कह रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि कश्मीरी भी कह रहे होते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीर की आजादी हम चाहते हैं, वो आराम से रहे, चाहे वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए, चाहे वो पाकिस्तान के साथ रहे, वो उनकी मर्जी है। कश्मीरियों से कम से कम पूछना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, और पाकिस्तान आर्मी जिस वक्त महसूस करेगी कि आप लोग नहीं मान रहे, आप कश्मीरियों को जरूरत है हमारी, तो हम बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो आप हमारे आर्मी चीफ का बार बार कहते हैं कि बाहर चले गए बाहर चले गए, तो वो कोई मुल्क का पैसा लेके बाहर नहीं चले गए, उन्होंने जो कमाया, जो उन्होंने काम किए सालों, वो लेके वो बाहर चले गए। किसी के बच्चे बाहर पढ़ रहे, लोग अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर बच्चे सालों तक बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो पेरेंट्स चाहते हैं उनके साथ रहे, और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो चले जाते हैं। उसके ऊपर बार बार आप लोग बात करते हैं, ये चीज मुझे बिल्कुल मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। और बाकी कश्मीर तो बिल्कुल बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीरियों से पूछे ना वहां पे वो क्यों पाकिस्तान के नारे लगा रहे, पाकिस्तान के झंडे आपके कश्मीर में, जो आपने कब्जा किया हुआ जिस कश्मीर में, वहां पाकिस्तान के झंडे क्यों हैं, उस पे आप पूछे। आप बार बार जो वहीं से फ्रीडम फाइटर उठते हैं उनको आप बता देते हैं कि जी ये पाकिस्तान से आए थे और ये हाफिज सईद के थे, जबकि उनके बाप दादा सारा खानदान वहीं पैदा हुआ होता है, वो वहीं से उठते हैं और वहीं पे आप लोगों के जुल्म के ऊपर चिल्लाते हैं और बेचारे कोशिश करते हैं वहां से निकलने की और आपके हाथों मार दिए जाते हैं जी। आप लोग पूरी दुनिया देख रही है और कोई बजाय इसके आप लोग शर्मिंदा हो, आप लोगों को कुछ शर्म आए, आप उल्टा पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं जी। मेरे पास आरजू काजमी साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अभी मेरे पास शर्म करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, जरूर शर्म करेंगे अगली बार कर लेंगे अगर आपका इतना दिल दुख रहा है। एक बात कह दूं बस, उसके बाद हम चले जाएंगे जीडी बख्शी सर के पास क्लोजिंग कमेंट्स के लिए। देखिए आपने बोला कि हमारे जनरल अगर बाहर जाते हैं तो आपके दिल में क्यों दर्द होता है, आपके जनरल
अशफाक परवेज कयानी 7,000 एकड़ जमीन खरीदते हैं और आप चाहते हैं हम इस चीज का भरोसा कर लें, विश्वास कर लें कि एक आर्मी चीफ की सैलरी को उन्होंने खरीदा है। ठीक है, आप लोग देते हैं 80-90 एकड़ जमीन पाकिस्तान में, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में जमीन तो नहीं देते हजारों एकड़। आर्मी चीफ की सैलरी पे परवेज मुशर्रफ का लंदन में घर है और परवेज मुशर्रफ का दुबई में घर है, करोड़ों अरबों डॉलर का उसके पास प्रॉपर्टी है परवेज मुशर्रफ की। आप चाहते हैं मैं ये विश्वास कर लूं कि आर्मी चीफ की सैलरी पे इतना कुछ वो खरीद रहे हैं। मैं आगे बात नहीं करूंगा, बस एक चीज है कि आपने बात करी कश्मीर की, मैं देखिए मैं बलूचिस्तान की बात नहीं करूंगा, फिर आप मेरा पुतला जलाना शुरू कर देते हैं वहां पे और मेजर गौरावारिया है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, वो बात पुरानी हो गई। लास्ट वर्ड मैं दूंगा मेजर जनरल जीडी बख्शी सर को। सर आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज योर मैसेज टू द पाकिस्तानी आर्मी? आप एज अ सीनियर सोल्जर, आप हमारे सीनियर हैं सर, आप पाकिस्तानी फौज को वन सोल्जर टू द अदर ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड कोर, यू आर अ रेजिमेंटल सोल्जर सर, आप बताइए एज अ रेजिमेंटल सोल्जर आप पाकिस्तानियों को क्या, इट वॉज द सेम आर्मी सर, वही फौज थी 1947 में, एक हिस्सा बना इंडियन आर्मी, एक हिस्सा बना पाकिस्तान आर्मी, एक आर्मी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल काम कर रही है, अपने काम से लगी है, दूसरी आर्मी मिलिट्री कूज कर रही है, पास्ता बना रही है, नूडल बना रही है, बच्चों के डायपर बना रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है, और उसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ये बच्चों के डायपर को कटिंग एज टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब आप बताइए सर, व्हाट इज योर एडवाइस टू द पाकिस्तान आर्मी, आपकी क्या, आप क्या उनको एडवाइस देना चाहते हैं पाकिस्तानी फौज को, जनरल बाजवा को? देखिए प्रोफेशनलिज्म तभी होती है व्हेन यू फोकस ऑन योर ओन जॉब, ऑन योर ओन प्रोफेशन, देन यू आर अ प्रोफेशनल, यू स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग, एंड द कंटोनमेंट कल्चर जो हमने अंग्रेजों से विरासत में लिया था वो यही था, वो यही था कि हम जो है वो सिविल सोसाइटी से अलग रहते हैं, वी फोकस ऑन वॉर फाइटिंग, वी फोकस ऑन ट्रेनिंग, ऑन ऑपरेशनल मैटर्स, और ये हमारी एक्सलेंस का नुस्खा है। जहां आप चीक बाय जाउल जाके सिविल सोसाइटी से मिलना शुरू करें तो जो उसका जहर है, जो उसका गंध है, वो भी आपके पास आएगा। आपने जहां कोई 6 साल नहीं हुए थे आपकी जमहूरियत के बने कि आपने जो है हस्तक्षेप शुरू कर दिया, फील्ड मार्शल अयूब खान साहब से लीजिए, तब से पाकिस्तान की फौज राज कर रही है, या तो आप राज कर सकते हैं या आप लड़ सकते हैं। तभी आपने देखा कि धीरे धीरे हिंदुस्तान की फौज जो केवल प्रोफेशन पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, हर युद्ध में आपसे आगे आपके ऊपर सफल हुई है, आपके ऊपर हावी हुई है, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं और आप जो है आप कभी सरकार चला रहे हैं, कभी आप कमिश्नरेट कलेक्टरेट चला रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, डायपर बना रहे हैं, तो आपको नुकसान तो होगा ही। और अभी चीमा साहब ने एक बात कही कि भाई ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको वेलफेयर करना है अपने रिटायर्ड फौजीज का जो फौजी शहीद हो गए हैं लड़ाई में। चीमा साहब गुस्ताखी माफ, पिछले 30 साल में आपने कौन सी बड़ी लड़ाई लड़ी है आपकी फौज ने? छुटमुट छुटमुट ऑपरेशन ही किए हैं, और जिसमें भी आपने बोला कि साहब हमारी फौज नहीं आई, ये तो दहशतगर्द आगे आए हैं, और जो मर रहे हैं वो दहशतगर्द मर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात बोली कि परवेज मुशर्रफ साहब के बच्चे बेचारे लंदन में पढ़ रहे हैं, जाना है ना उनके पास। अरे साहब आपके बच्चे लंदन और अमेरिका जाते हैं फौज के सीनियर कमांडर्स के, और जो गरीबों के बच्चे आप टेररिस्ट बना के यहां भेजते हैं मरने के लिए, क्योंकि हमारी फौज तो बख्शती नहीं है साहब जी। और इसके चलते साहब आप जो है ये आपके वेलफेयर फंड क्या टेररिस्टों को जा रहे हैं? क्योंकि मर तो केवल टेररिस्ट रहे, आपकी फौज ने तो अपने ऊपर आंच नहीं आने दी, गल्ला शल्ला चला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे गुजारिश है, आपकी फौज को नसीहत मेरी ये है कि प्रोफेशनल बने जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी डी बख्शी सर आपका। ये प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है, यहाँ पे प्रोग्राम अपना क्लोज कर रहे हैं। आखिरी में क्लोजिंग कमेंट्स में बस यही रहूंगा कि फौज कहूंगा कि फौज जो है वही अच्छी लगती है जो प्रोफेशनल आर्मी हो, जो अपना काम करे, ये डायपर पैम्पर जानवरों की खाल खाद ये सब ना बनाए, हथियार लेके मुल्क की रक्षा करे, वही एक फौज को शोभा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं अगले हफ्ते। घमासान की टीम और मेरी तरफ से आप सबको जय हिंद।